बर्ख न्यूज पर मौलाना तकी आगा की मुंबई में की गई तकरीर की खबर दिखाए जाने के बाद हैदराबाद के उलमा जाकरी ने एक इजलास तलब करते हुए मौलाना तकी आगा से मुखातिया यानी बाइकाट और उन्हें शिया से खारिज करने की खबर अखबारात में शाये करवाई थी। अखबारात में ये खबर शाये होने के बाद शिया बरादरी के चंद नौजवान मौलाना तकी आगा के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए थे। चंद रोज कबल अलीजा कोटले में एक अंजुमन से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मौलाना तकी आगा की ताइद में दस्तखत करने पर एक मौलाना के खिलाफ एहतजाज किया था, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया। ये देखते हुए आज जॉइंट कमिश्नर शिव प्रसाद, जो कि साउथ जोन के इंचार्ज हैं, और एडिशनल DCP बाबूराव ने शिया बरादरी के उलमा के साथ एक मीटिंग की, जिसमें मौलाना तकी आगा की तकरीर और उनके बाइकाट के बाद रूनुमा होने वाले हालात पर गुफ्तगू हुई। इस मीटिंग में आगा मुजाहिद हुसैन ने कहा कि हम खूनी मातम के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम हर साल माह मुहर्रम में खमजनी करने वालों के लिए सर पर पट्टी बांधने का इंतजाम करते हैं। इस मीटिंग में आगा मुजाहिद हुसैन ने साफ किया कि ये वाकया जो रूनुमा हो रहे हैं, इसका ताल्लुक अखबारी हजरात से नहीं है। अखबारी आलिम दीन मौलाना सैयद वहीदुद्दीन हैदर जाफरी साहब क़िबला ने कहा कि बाइकाट का ऐलान करने वालों को चाहिए कि वह सबसे पहले अपना मजहब बताएं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि पार्टी में रहते हुए पार्टी के उसूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसूल पसंद न होने पर पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना पड़ता है। इसी तरह खूनी मातम की ताइद करने वालों को चाहिए कि वो अपने फिरके का ऐलान करें। हर एक को वही करना चाहिए।
मजलिसी उलमा ज़ाकिरीन के जनरल सेक्रेटरी मौलाना ज़फरयाब हैदर ने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि किसी किस्म की बदतमीजी न करें और झगड़ा न करें। पुलिस ने कहा कि 24 दिसंबर को चहलुम इमाम हुसैन के बाद उलमा ज़ाकिरीन और मौलाना तकी आगा और दीगर अफराद बैठ कर मसले का हल तलाश कर लें, जिस पर मौलाना ज़फरयाब हैदर ने कहा कि वो मजलिसी उलमा में ये बात रखेंगे और बाद चहलुम इमाम हुसैन मीटिंग करते हुए फैसला लिया जाएगा। उन्होंने मोमिनीन हैदराबाद से अपील की के लड़ाई झगड़ा न करें। दोनों फरीकैन ने फैसला किया है कि उनकी जानिब से किसी किस्म की पॉम्पलेटबाजी या शरंगेजी नहीं की जाएगी। मीटिंग के अख्तिताम पर मौलाना ज़फरयाब हैदर और आगा मुजाहिद हुसैन ने गले मिलकर मोमिनीन को पैगाम दिया है कि अब इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है और वो एक है। और जहां तक रहा मसला कि बदअखलाकी जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो लोग भी बदअखलाकी कर रहे हैं किसी भी इस मसले को लेकर वो गलत, उसकी इजाजत बदल कभी नहीं दी जा सकती किसी एहतमान से। सवाल ही नहीं पैदा, कोई भी शरीफ आदमी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि किसी के साथ बदअखलाकी की जाए, कोई बदतमीजी की जाए, किसी को गाली गलौज किया जाए, ये तो नहीं। शैतान बोला जाए वो जितनी बातें तय करके, टॉपिक तय करके, एक टाइम सेट करके, सारे लोगों को इन्फॉर्म करके इकट्ठा किया जाए कि मसला क्या है। और रहा मसला बदअखलाकी का, जहां तक वो तो शुरू से ही, और कोई भी हर आदमी जानता है ये बात कि किसी को बदअखलाकी की इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी भी एतबार से। अगर ये मैं नौजवानों से भी अपील करूंगा कि किसी तरह की कोई बदअखलाकी न करें, एक। लेकिन मैं कुछ अफराद ऐसे भी हैं कि जिनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो बजाय इसके कि इस तरह के कोई बयान आवाम को एड्रेस करते हुए जारी करें, इस पर फिलहाल खामोशी इख्तियार करें ताकि कुछ दिनों के बाद जब सब गुजर जाए उसके बाद बैठ करके बात करना और बात करें। Thank you.